आने वाले December 3 को हम डिस्ट्रिक्ट लेवल हैंडबॉल चैंपियनशिप आयोजन करने से है। 3 तारीख सुबह हमारा इनॉग्रेशन होगा, ये ग्रैंड इनॉग्रेशन होगा वहाँ पे। ये स्पोर्ट्स जो है, बच्चे लोग जो डेवलपिंग एज के रहते हैं वो फिजिकली मेंटली स्ट्रांग रहते हैं, स्कूल रहते कॉलेज आ रहते हैं, उन्हें अपने स्कूल से अपने कॉलेज से टीम भेजना बोल के हमारी ये गुजारिश है। इसको ना फीस की ये है, ये फ्री एंट्री है। हम पूरे गुलमर्ग के बच्चों को और खास करके उनके पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करते हैं कि स्पोर्ट्स को सपोर्ट करो। This video present by Mannur Multi Speciality Hospital, highly qualified and well experienced doctors team for emergency and trauma care 24/7 at Bare Hill Circle Ring Road Gulbarga. आज हमें प्रेस मीट करने का उद्देश्य है, ये स्पोर्ट्स के मैटर में है। जो हैंडबॉल एसोसिएशन है 2015 से हमें हैंडबॉल एसोसिएशन एक क्लब कर लेके यहाँ के लोकल बच्चों को रहेंगे, स्टेट के अलग अलग जिले के रहेंगे, सभी बच्चों को लेके ये हैंडबॉल कितना हो सकता है उतना पॉपुलरिटी करना और सभी बच्चों को इसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी मौके पर आज हमारे साथ हमारे ओलंपिक एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी अशोक सर है और हमारे हैंडबॉल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी दत्तू सर है और मैं हैंडबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष होके ये प्रेस मीट में बात कर रहा हूँ कि आने वाले December 3 को हम डिस्ट्रिक्ट लेवल हैंडबॉल चैंपियनशिप आयोजन करे सो है। इसमें पूरे कितने भी कलबुर्गी ज़िले के इंस्टीट्यूट्स है, चाहे स्कूल रहेंगे कॉलेज आ रहेंगे, उन्होंने अपने स्कूल से अपने कॉलेज से टीम भेजना बोल के हमारी एक गुजारिश है। ये हैंडबॉल गेम बहुत थोड़ा स्लो रेटिंग पे TRP नहीं लिया होता, लेकिन स्पोर्ट्स इज स्पोर्ट्स तो पूरे गेम उत्तेज रहते हैं। खास करके मैं पूरे पेरेंट्स को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके बच्चों को एज गेम बोल के नहीं, कौन सा भी रहते स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होने के लिए आप ये करना, उनको सपोर्ट करना और उनके उनको सिलसिले में बात भी करना। और हम आज जो December 3 को गुलबर्गा लेवल हैंडबॉल चैंपियनशिप जो ऑर्गेनाइज करे सो है, इसमें हम 4 पूल करे सो है, पूल ए, पूल बी, पूल सी, पूल डी बोल के। पूल ए जो है वो स्किल्ड और एक्सपीरियंस्ड प्लेयर का टीम पूल रहेगा, टीमों का। और पूल बी जो रहेगा वो मीडियम स्किल्ड, थोड़ा अभी शार्प ने या अभी एक्सपीरियंस एक्सपर्ट प्लेयर नहीं है तो उसे पूल बी में रहते। और सी पूल जो रहे वो बेसिक हैंडबॉल का नॉलेज किसको रहता, और अभी जो फ्रेशर्स है उनके लिए सी पूल। और ख़ास करके हम इस बार ये डी पूल एक सेपरेट करे से, ये डी पूल जो है वो गर्ल्स के लिए है। क्यों बोले तो ABC में बॉयज रहते, इसीलिए गर्ल्स का एक सेपरेट पूल बनाएंगे बोल के पूल डी बोल के बनाए से। और इसके अलावा इसको ना फीस की ये है, ये फ्री एंट्री है। और आपको विनिंग में कैश प्राइज नहीं रहेगा, ट्रॉफी रहेगा। ट्रॉफी रहने के बावजूद रूलिंग ट्रॉफी भी रहेगा। अभी तक फिलहाल 17 टीम्स रजिस्टर हुए सो है, 1 तारीख तक लास्ट डेट है। हमारे जो मोबाइल नंबर से हमारे कॉन्टैक्ट के लिए आप टीम भेजने चाहे या कौन भी खेलना चाहे तो भी इंटरेस्टेड रहे सो वाले आना चंद्रशेखर पाटिल क्रीडांगण में, जो कर्नाटक में सेकेंड बिगेस्ट हैंडबॉल कोर्ट है वो हमारे कलबुर्गी में है। और हम पूरे गुलबर्ग के बच्चों को और ख़ास करके उनके पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करते हैं कि स्पोर्ट्स को सपोर्ट करो और आपके फैमिली में से हर एक जने की फैमिली में से एक जने को स्पोर्ट्स में रखो, चाहे हमारा गेम रहें दे कौन सा भी गेम रहें दे। इसीलिए हम ये फिर से गुजारिश करते हैं कि हैंडबॉल के लिए आप जब से सपोर्ट करें। और ख़ास तौर से मैं आपके मीडिया को भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि हर एक स्पोर्ट्स के भी आप न्यूज़ बनाते रहिए। और ये स्पोर्ट्स जो है, बच्चे लोग जो डेवलपिंग एज के रहते उन्हें फिजिकली मेंटली स्ट्रांग रहते हैं। हमें सिर्फ पढ़ाई के तरह उत्तेज नहीं, साथ में सेहत भर सोसाइटी भी होना चाहिए, सेहत भर घर भी होना चाहिए। इसीलिए पूरे जने स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होना बोल के मेरा गुजारिश है, हर एक स्पोर्ट्स में हमारा बोल के नहीं लेकिन स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होना ये हमारी गुजारिश है। डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक एसोसिएशन का सेक्रेटरी बात कर रहा हूँ। ये हर साल के जैसा ये हमारा ये सेकंड कंसेक्यूटिव टूर्नामेंट है हमारा। लास्ट ईयर भी बहुत बढ़िया ग्रैंड टूर्नामेंट किए थे हम, और वहाँ पर भी ऑलमोस्ट 17-18 टीम्स आए थे, और बाहर के रायचूर से और कई अलग अलग दूर से भी बच्चे आके यहाँ पे खेल के गए। और उसी जैसा इस साल भी हम बहुत बढ़िया टूर्नामेंट करने का हमारा एक कोशिश है। और हमारे साथ में जो हमारा डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक एसोसिएशन जो मैं और हमारे इसके अध्यक्ष जो है हमारे सुशील जी नमोसी सर, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है इसमें। उन्होंने और हमारे डिस्ट्रिक्ट हैंडबॉल एसोसिएशन उन्होंने
बहुत दिनों से इस सिलसिले में काम कर रहे हैं। अच्छा है, यहाँ पे स्पोर्ट्स का बढ़ावा करने के लिए, स्पोर्ट्स को उत्तेजन करने के लिए, खास तौर पे हमारे हैंडबॉल एसोसिएशन के सभी जो पदाधिकारी हैं वो सभी लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक्स एसोसिएशन जो होता है, इसमें हर स्पोर्ट्स, इसके अंदर सभी हर स्पोर्ट्स के सभी लोग इसमें रहते हैं। इसमें पे वो सभी हमारा डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक एसोसिएशन जो हर जैसे कि हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक एसोसिएशन रहता है, और ये एसोसिएशन स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन से और स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन पे जो जुड़े रहते हैं, ये एक स्पोर्ट्स में बच्चों को अप टू नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल ले जाने के लिए यहीं से स्टार्ट होता है। जो हमारे बच्चे जो अभी जो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल से, यही बच्चे आगे जाके हमारे बहुत ऊपर नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे खेल सकते हैं। इसलिए मैं तो सबसे गुजारिश करता हूँ कि सभी स्कूल के बच्चे हो, हमारे पेरेंट्स हो या स्कूल के इंस्टीट्यूशंस हो, सभी उनको थोड़ा ये प्रमोट करना है आपके चैनल के वजह से, आपके माध्यम से ये प्रमोट करने से जो हमारा ये बढ़ावा मिल जाएगा और स्पोर्ट्स का अच्छा तरक्की हम देख सकते हैं, बोल के मैं आपके चलन की वजह से गुजारिश करता हूँ। ट्रेनिंग डेट बोले, देखिए ये तीन तारीख को सुबह हमारा इनाग्रेशन होगा, ये ग्रैंड इनाग्रेशन होगा वहाँ पे, और बहुत सारे टीम्स, सभी टीम्स उसी दिन तकरीबन सभी टीम्स रिपोर्ट कर लेंगे होंगे, और वो एक दिन का टूर्नामेंट है, और शाम में तकरीबन 7-8 बजे इसका समारोह, मॉर्निंग सेवन ओ क्लॉक। और इस टूर्नामेंट के लिए हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं, वो स्पॉन्सर उनको उनके ड्रेसेस हो या उनका फूड और बाकी के जो भी ट्रॉफीज वो सभी जो है ना, वो हमारे वेंकटगिरी जो होटल है ना, उनके मालक सभी प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको हम आपके माध्यम की वजह से उनको शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। अच्छा, अशोक कुमार, डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक एसोसिएशन सेक्रेटरी।